ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, दिखाते हैं तुम्हें, दिखाते हैं तुम्हें कौन है लाइन पे, कौन है, अपनी अपनी वाइफ को बुलाएं, कौन है लाइन पे, ये वाइफ है मेरी, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर जी थैंक यू सो मच। ये देखिए क्या हुआ, क्या क्या लाइन आई है, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज मोहम्मद, ताकि मैंने पूरा का नाम छुपा लिया जिससे कि प्राइवेसी रहे, लेकिन देखिए आपके पास पासपोर्ट का रिक्वेस्ट आ गई। सर ये मेरी मेहनत, दुआ और आपके तजुर्बे का रिजल्ट है। शकल तो दिखाएं, पूरी शकल आपकी, जरा साइड भी जा रही, शकल दिखाएं जरा पूरी, पूरा पूरा दिखाएं जरा। आपसे गुड, आपसे तारुफ नहीं हुआ, आपका नाम बताएं। मैं आई फॉरगॉट योर नेम एक्चुअली, आई हैव रिटन समवेयर। फिरदौस मिर्ज़ा। जी जी, माय नेम इज फिरदौस मिर्ज़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने एफर्ट्स लगाए, थैंक यू सो मच। ये जो आपके शौहर है, ये तो बिल्कुल ही दुनिया से वो मायूस हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, इनके दोस्त आगे निकल गए और फ्लाइंग करेंगे फलाना करेंगे और मैं रह गया, इसके बाद मैं इंडिया जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बच्चे का क्या होगा, इनका मतलब इनका इनका दिल ही एक वो था, जुनून था कि मैं, अब मैं क्या बताऊं, मैं मेरे को भी मेरे को अल्फाज नहीं मिल रहे कहने के। उन्होंने एक्चुअली उम्मीद उम्मीद थोड़ी छोड़ दिए थे, फिर उसके बाद आपने बस थोड़ा बहुत बहुत कुछ आपने किया। आप यकीन मानो आज मेरे को, मैंने आपको बताया था ना, अगर कुछ नहीं होगा तो मैं यहाँ से इंडिया जाकर फिर इंडिया में एक साल काम करके देन आई विल गो। तो आज मुझे सिटी बैंक का ईमेल आया क्योंकि मैंने सिटी बैंक में अप्लाई किया हुआ था। अबे थोड़ा सा, थोड़ा सा बीच में शक्ल नहीं आ रही। हाँ बीच में, हाँ ऐसे, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो दे ईमेल्ड मी टुडे। हाँ क्या कह रहे हैं, सिटी बैंक का ईमेल आया कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड यू हैव we have shortlisted your application, we will contact you very soon for further process. So I was like dekho pata nahi kya hota hai kahan se kya hai, but I'm speechless right now because I don't know what to say. But yeah, one thing I'm very much sure ke I want to sit with you on a video with a long discussion on this, and I want to share my experience with everyone. I want to tell them that what I have been through. बता दे दो शब्द बोल दे, दो अल्फाज बोलने से बता दे, एक समरी बता दे, दो जरा इसको छोटा सा करके बता दे। हम तो सोच रहे थे कि आपको दुबई आके दिया जाए, लेकिन अब वो इतना इतना पेशेंस नहीं है कि दुबई आए फ्लाइट लें फिर दें। इट्स नॉट, मेरे को तो रात को नींद नहीं आने वाली थी एक्चुअली। क्या बताऊं सर, मैं मतलब मैं स्पीचलेस हूं, मतलब मुझे, मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि ये लेटर देखने से मुझे एक ऐसी, I can imagine myself कि जिस दिन मैं एयरलाइन के अंदर बैठकर, जिस दिन मैं फ्लाइट डेक में बैठा रहूंगा और जिस दिन वो मेरी पहली उड़ान होगी, उस दिन मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर यू ऑन दैट वेरी मच फ्लाइट, क्योंकि ये सब ही की वजह से आई थिंक आई विल बी, मैं वो उड़ान भरूंगा पहली वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा मतलब ये वीजा हम लोग 5 years इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मेरा वीजा नहीं है, ये मेरे करियर का टिकट है, दिस इज द टिकट टू माई करियर विच आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम लास्ट 7 years, एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव मूव्ड वन स्टेप अहेड. And I'm sure after a few years, I will be able to look into the eyes of my son and tell him, do pursue your dreams because it will definitely happen. मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल कि जब मेरा बच्चा मेरी आंखों में देखे और बोले मुझे बाबा ये बनना है, तो I want him to be that. And in fact, I want him to be an astronaut. मैं चाहता हूं कि वो बाप से भी ऊंचा हो और इस दुनिया के बाहर जाकर दुनिया देखे। चलिए बहरहाल, आई रियली, चलिए बहरहाल, आपकी 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 दुबई का सफर खत्म हुआ, अब
आप जल्दी से निकले यहाँ से, जाए कनाडा जाके फ्लाइंग सीखें, और इंशाल्लाह फिर फैमिली को बुलाएंगे, सबको सब आएंगे और एक नई जिंदगी, नया जिंदगी, नया चैप्टर शुरू होएगा आपकी जिंदगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जब आप अपनी पहली फ्लाइट लेंगे, कमर्शियल फ्लाइट लेंगे, मेरे को भूलना मत, बुलाना मेरे को, मैं भी आऊंगा आपके साथ। जी जी जरूर, आपको तो जरूर बुलाऊंगा, आपको तो भूलेंगे ही नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। या तो अभी भी इंडिया आने का प्लान है कि नहीं? फिर मैं आऊं दुबई, आप आइए दुबई, मैं आऊंगा इंडिया, जो जो जैसा बोले सर, मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैं रिश्ता निभाने वालों में से हूं, हम लोग को भी खातिर करने दिया, रिश्ता खत्म करने वालों में से नहीं। दे आप अपना ईद का निपटा लो अपना, मई 2 को है ना आपका? जी जी जी, फिर देखते हैं, फिर प्लान बनाते हैं। आप इसको पहले निपटा लो अपना, पासपोर्ट का वो वीजा लगवा लो, स्टैंप करवा लो, और फिर देखते हैं फिर तो, मतलब ठीक है सर, ठीक है। मैं तो अभी एक्चुअली मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली मे बी आई शुड, मैं तो अभी इंडिया में आया हुआ, तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं आके अपने लिए मैं दुबई में एक वो खोलूं, या तो इमिग्रेशन का काम खोलूं या किसी के लिए नौकरी कर लूं। मैं सोच रहा था एक आध दिन से, यार मैं दुबई जाके किसी से टाई अप करता हूँ, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर कॉल। इमिग्रेशन कंसल्टेंट मेरे पास में है, अगर आपको टाई अप करना है, अगर आपको जमता है तो आप कर लेना। नहीं वो जमना नहीं जमना वो एक अलग बात है, बट आई हैड माय थिंग, और कि मैं दुबई में रह के एक आध साल में दुबई रहना चाहता था मैं, तो अभी पता नहीं है कि नहीं है, आई एम स्टिल चेंज माय माइंड। पर चलिए, आप तो निकले वहां से पहले। आइए सर, मैं आपसे मिले बगैर नहीं निकलूंगा, या तो इंडिया में मिलूंगा या यहाँ मिलूंगा। ठीक है चलिए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए वो मैं सोच रहा था कि आपको मैं कल बताऊं, और या फिर मेरे को लगा कि अभी इंडिया में भी ना अभी रात के बज रहे हैं, 9:45 अभी इंडिया में, तो मैं सोच रहा था कि मैं रात को सोऊंगा कैसे यार, मैं रात को नहीं सोऊंगा। अरे मैं तो मतलब बोल रहा हूँ ना सर, मैं इट्स बीन 43rd डे टुडे और 44th डे, तो आई वाज लाइक पता नहीं कब होगा, बट देन कब होगा तो मैसेज आएगा। तो अभी आपने पहले कहा था कि एकदम से सोच रहे थे, जिक्र चल रहा था, एकदम से कॉल आ गया। हाँ बस मैं मतलब हम लोग इफ्तार करने बैठे हुए थे, ठीक है, तो माय वाइफ कुक्ड समथिंग फॉर माय मदर, तो आई वाज टेलिंग माय मॉम के देखो लाइक यू नो नाउ मी एंड माय वाइफ आर प्रिपेयर्ड टू लिव इन कनाडा, बिकॉज नाउ लाइक यू नो एक होता है ना कि घर के अंदर सब कुछ मिल रहा है, खाना बनाना वगैरह वगैरह, और फिर even I learned making juice and stuff like this. So I was like, you know, and we can live in peace there. So the next statement was from my sister, that you have applied again. And I was like, yeah, I have applied again. And then she asked, who is it? I said, that's what I was telling you, Mr. Singh, Amarjot Singh. She said, okay. But that was the talk. After 5 minutes, I washed my hands. And I received a message from your end, that whatever your message you sent, बस। और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि यस्टरडे वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डेज इन 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 द रिलीजन ऑफ मुस्लिम, ओके, इस्लाम के रिलीजन में कहते हैं कि लाइक यस्टरडे वॉज द डे व्हेन द होली बुक वॉज कंप्लीटली रिवील्ड इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं कि जो दुआ मांगना है मांगो, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। आपने क्या वीजा मांगा? बस मैंने बोला कि सर मैंने वीजा मांगा, मैंने मेरी औलाद के लिए दुआ मांगी, मैंने मेरे भाई बहनों के लिए, मैंने मेरे फैमिली के लिए, मेरे इन लॉज के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मतलब मैंने जितना मांगना था मैंने मांग लिया। तो पहली दुआ मेरी उस कल से लेके आज 24 घंटे में एक ये पूरी हो गई। चलिए चलो आप अपना तैयारी करें, सिटी बैंक को छोड़ें, फिर आप तैयारी करें जाने की कनाडा, और इसमें अबू धाबी में कितने दिस इज वाज कितने 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, 3 महीने सेकंड एप्लीकेशन को, हाँ ये जो एप्लीकेशन अभी डाली है,
10th ऑफ मार्च को आपने सबमिट किया था, टुडे इज 24th ऑफ अप्रैल, 45 हार्डली दो महीने भी नहीं हुए, या 45 डेज, या that's good I'm starting to like the Abu Dhabi office now. Thank you so much, sir. I don't think so this would have been possible without you, to be very honest. Yeah, but I remember I gave you a chance first time. Maine kaha usse kaha ki aap apne aap apply kar lo first time. Right. Yeah. And I have no secret. If you remember, I don't keep secrets. I even showed you the cover letter that I wrote. Right. Yeah, I don't keep any secret. So, but that's okay. ये सब ऊपर वाले की मर्जी है भाई. इसमें बंदे का कुछ नहीं होता, तो ये बहाने बन जाते, कोई यहाँ से मिला, कोई वहाँ से मिला, किसी का हाथ यहाँ लग गया, हाथ लग गया, वो काम है सर चल गया. So, couple of I want to share this as well. Couple of days back, a friend of mine who is from Sri Lanka. Yeah. तो उसकी wife का visa, study visa refuse हो गया. Yeah. And he contacted me ke taki aisa aisa ho gaya. So I was like, with whom did you apply? He said, I applied through the consultant. So I asked him, did you see the letter which he wrote on behalf of you? He said, nahi, usne bola main wo nahi dikhaunga. And he is charging him like, you know, a good amount of money. I said, why is he not sharing it with you? Yeah. It is your letter. Kal ko wo letter mein ye likh de ke bhai ye bewakoof bana rahe hain, ye log jaakar wapas nahi aayenge, to uski zimmedari kaun lega? Yeah. So which he is, was like, Mawla, see, I am also going through a consultant. And he showed me the letter which he's writing on behalf of me. This is what ethically it should be. I don't keep any secret. Of course, you know, a lot of lawyers, as you sir, said. Awaaz nahi aa rahi. Main bol raha hu, awaaz nahi aa rahi. Haan, abhi aa rahi, bolo. Main bol raha tha ki bahut sare lawyers hain, wo अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बोलते कि जी लेटर में तो सब कुछ फॉर्मूला है, मैं बता दिया तो हमारा फॉर्मूला उड़ जाएगा, तो इसलिए वो सारे अपने दिखाते नहीं कि क्या लेटर में दिख रहा है. इनफैक्ट नॉट इवन इनसाइड द फॉर्म्स आल्सो के वो दिखाते भी नहीं है, पर आई शोड यू एवरीथिंग एक्चुअली. या आई नो आई नो या चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है. चलिए एक बार वो लेटर वापस से दिख सकता है, मेरी वाइफ को फोटो लेना है उस लेटर का. अभी मैं निकाल, मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं निकाल दे दूंगा. आप लेटर मेरे किस काम का, जब वीजा हाथ में आ गया क्या करेंगे लेटर का, एडिटर का अचार डालेंगे. She wants to share it with the other family members. पर मैं एक चीज बता दूं कि अगर कोई सोचे कि भाई अगर कोई जैसे कोई मेरा कोई कंपटीशन, आई मीन कोई भी अगर सोचे कि इस लेटर को कॉपी करके दूसरे वीजे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना. हर एक लेटर इज डिफरेंट. या ट्रू नहीं ये लेटर नहीं, जो मतलब मेरे वीजे का लेटर है ना वो. ओ अच्छा अच्छा, तो वीजे का लेटर लो, उसको 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 यकीन नहीं आ रहा है, एक सेकंड मुझे. नहीं नहीं उसको बस फोटो लेना है, वो मतलब वो आईपैड से फोटो ले लेगी. अरे क्या फोटो, ये लो. दिख रहा है क्या? हाँ हाँ बस नहीं, फोटो आपका ही, आपका ही लेटर है, आपका ही वो है, फाइल नंबर है और आपका ही नाम है, आप घबराए ना. नहीं वो तो मैं तो उसको सिर्फ एक्चुअली फैमिली के साथ में शेयर करना है, मुझे तो यकीन है कि ये मेरा ही है. असली 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 चीज यहाँ से लिखी है, तीसरी लाइन से, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज अप्रूवल. ये असली चीज. और डेट आज की है, आज की डेट तो अभी खत्म नहीं हुई, दिन भी आज का चल ही रहा है. करेक्ट 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 करेक्ट. तो ये चक्कर है, कोई चक्कर नहीं, नो प्रॉब्लम. सो टेक इट इजी, मैं इसको ठीक है.